यूक्रेन न्यूज़ वाले लिए आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। संभल जिले के 13 छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में। 13 छात्रों में छात्र फैसल और सोहेब के परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। मोहम्मद फैसल नाम है उसका। मोहम्मद फैसल एमबीबीएस कर रहा है। मन में ये है, थोड़ा सा डर बैठा हुआ हमारे कि भाई वहाँ पे गोलाबारी चल रही है, रूस ने अटैक कर दिया है, तो हम सारे परिवार बारे सब डर रहे हैं हम लोग कि हमारा बेटा सहकुशल घर आ जाए। तो क्या क्या मांग करते हैं इस बार सरकार से? हमने अभी टिकट कराया था, 2 मार्च का कराया था। अभी बेटे ने बताया कि अभी टिकट जो कैंसिल कर दिया गया, मैसेज आ गया मोबाइल पे कि फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। मन में ये, हमारे भारत सरकार से गुजारिश है कि हमें हमारे बेटे को सहकुशल वापसी भिजवा, इंडिया आना चाहिए। यूक्रेन में कौन पढ़ रहा है आपका? हमारा भतीजा मोहम्मद सोहेब। सोहेब नाम है जी। क्या कर रहा है वहाँ पर? एमबीबीएस। कब गया था वहाँ पर? 2 साल हो गए। अच्छा, जैसे इस वक्त यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, रूस ने अटैक करने की बात है, रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन में, तो क्या किस तरह का माहौल है आपके परिवार में? बहुत डरे हुए हैं सब आदमी, यार रिश्तेदार सब घबराए हुए हैं। हाँ, स्थिति खराब है। तो क्या मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? ये भारत सरकार से ये घर वापसी आ जाए बच्चा। सरकार से मांग कर? जी, भारत सरकार से। जी, भारत सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? हमारी यही है, आपके सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम यही कर रहे हैं, वो घर वापसी भिजवाएं लड़के बच्चों को। अच्छा, जैसे बच्चे से बात हुई होगी आपकी? जी। तो बच्चे ने क्या बताया? बच्चे भी डरे हुए हैं, बोले ये बोल दिया, बोले अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। अच्छा, वहाँ की सरकार ने बच्चों को बोल दिया? जी ना, स्कूल जो कॉलेज वो है, जो कॉलेज पढ़े हैं। जी जी। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट चौक से लेकर कोयल घाटी तक सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ तो शिफ्ट कर दिए गए, मगर जिन स्थानों से पेड़ शिफ्ट किए गए हैं उन स्थानों पर पेड़ों की टहनियां और मिट्टियां लोगों के लिए दुर्घटना का सबब बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एनएच के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आप बता दें कि बीते 3 दिनों में करीब 1 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चालक पेड़ों की टहनी और मिट्टियों पर स्लिप होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। मामले में कुछ जागरूक नागरिकों ने कायदेई संस्था से संपर्क कर मामला संज्ञान में लेने की कोशिश की, मगर संस्था ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे नाराज होकर स्थानीय निवासी सुनील कश्यप ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर संस्था के खिलाफ लापरवाही बरतने के मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत की कॉपी जिलाधिकारी देहरादून को भी भेजी गई है। एनएच द्वारा जो है ये पेड़ की कटिंग हुई है यहाँ पे, इन्होंने जो है ये पूरा इसमें जड़, ये पेड़ की टहनियाँ सारी ऐसी कैसी छोड़ रही, कई लोग चोटिल हुए, इसमें मैं भी घायल हुआ हूँ। और कल मेरे सामने, कल भी मैं गुजरा था, कल भी एक बुजुर्ग और एक लड़का गिरा है, उसका भी पूरा घुटना टूट गया है यहाँ पे। मैंने इनसे फ़ोन पे वार्ता की, लेकिन ये फ़ोन उठा के भी राजी नहीं है, कोई सुनने को राजी नहीं है। तो शिकायत करेंगे आप? आज मैं इसकी कोतवाली में शिकायत करने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि इनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़ोन भी 39 करोड़ की लागत से उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा वार्डो में पेयजल की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे अनियमितता और लापरवाही बरतने का आरोप भी लग रहा है। मामले में पार्षदों ने अपनी आपत्ति भी जताई है। इस संबंध में नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में पार्षदों और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पार्षदों ने जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। साफ कहा है कि यदि नियम अनुसार जल संस्थान काम नहीं करेगा तो वो काम नहीं होने देंगे। महापौर ने भी जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। महापौर ने लापरवाही बरतने पर जल संस्थान पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने मुकदमा दर्ज नहीं होने पर अधिकारियों को बंधक बनाने की चेतावनी भी भरी बैठक में दी, जिसका सभी पार्षदों ने मेज पर हाथ थपथपाकर समर्थन किया। बता दें कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई वार्डों में सड़क खोद कर छोड़ दी गई है, कई घरों के आगे का फर्श और नालियां तक तोड़ दी गई, कई घरों की पानी पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे घरों में पानी नहीं आ रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड नगर निगम में सम्मिलित हुए थे, वर्ल्ड बैंक की योजना है हर घर नल हर घर जल पहुंचाने की, तो उसमें नगर निगम ने एनओसी दी जल संस्थान को, और उसमें अनुबंध में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2.5 इंची का इनका पाइप है, 50 सेंटीमीटर की खुदाई करेंगे, मैनुअल खुदाई करेंगे, वहाँ पे वाटरिंग भी करेंगे जहाँ से कि धूल मिट्टी ना उड़े, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और साथ साथ में वहाँ पे चलने लायक भी बनाएंगे।
लेकिन इनकी लापरवाही के, जल संस्थान की लापरवाही के कारण आज हमारे नगर निगम के 14 वार्ड की पूरी गलियां पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़ी बड़ी जेसीबी से ये वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, जिससे कि लगभग 4-4 फुट तक के नुकसान वहाँ पे हो रहा है। लोगों के घर हिल रहे हैं, बड़ी बड़ी जेसीबी, छोटी छोटी गलियां हैं उनमें ये ज़बरदस्ती जेसीबी अंदर ले जा रहे हैं। लोगों के थड़े पूरे तोड़ दिए गए हैं, बाउंड्री वाल पूरी तोड़ दिए हैं, कई जगह बाउंड्री वाल हिली हुई हैं। तो उसमें कई बार नगर निगम की तरफ से हमने अपने अधिकारियों से जब उस बारे में बात करी कि हमारा अनुबंध जो हो रखा है उसके हिसाब से वहाँ पर काम नहीं चल रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने, नगर निगम ने इनको कई बार मौखिक चेतावनी दी, मौखिक में वार्ता करी, फिर लिखित में भी दिया। लिखित में देने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। जल संस्थान हो या नीचे जिस एजेंसी को इन्होंने काम दे रखा है, ठेकेदार की पूरी तानाशाही वहाँ पे चल रही है और पूरी तरह से वो रोडों को, पूरी गलियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। अभी हमने 3-4 दिन पहले फिर मजबूरी में इनका सामान उठा के लाना पड़ा ताकि इनके कोई अधिकारी इस वजह से फिर आएंगे, उनसे बातचीत की जा सके। सामान उठा के लाने के बावजूद भी इन्होंने कल और परसों फिर वही सारी गलियों में, गीता नगर की गलियों में, 2-3 वार्डों में फिर से रात को काम शुरू कर दिया 10-11 बजे। कुशीनगर के पटौना विधानसभा क्षेत्र के मनसा छापर में सपा प्रत्याशी विक्रमा यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार पिछड़ों के आरक्षण को खा गई। यूपी का अब तक का सबसे भ्रष्ट और बेईमान सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी की जनता की गर्मी निकालने वाले की गर्मी 10 मार्च के बाद खुद ही जनता निकाल देगी। सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करने के साथ ही कहा कि अखिलेश की सरकार बनते ही 11 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। ये है गाय माता के पुत्र, आप तो फर्जी गाय का माता करके कि उसका आंसू बहा दो, गाय को कटने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हो, गाय को अपने गौशालों में भूसे के चारे के अभाव में मौत की नींद सुला देते हो, आपको गाय के हत्यारे भी हैं। और यही नहीं, आज इनको शर्म नहीं। यूक्रेन में फंसी अमेरिकन की छात्रा स्नेहा यादव के परिजनों ने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। स्नेहा के परिजन लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। स्नेहा के परिजन भी लगातार फोन से स्नेहा से बात कर रहे हैं। स्नेहा के परिजन काफी चिंतित हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए इंडियन एंड यूक्रेन नाम का ट्विटर हैंडल कराया। मैनपुरी के थाना वेवर क्षेत्र ग्राम गुटारी की स्नेहा निवासी बताई जा रही है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा के जिहादियों द्वारा हत्या की तपेश यहां तक भी पहुंच चुकी है, जहां पर भी बजरंग दल के विभाग संयोजक मोहित पुंडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिहादी मुर्दाबाद, भारत माता की जय, हर्षा अमर रहे आदि के नारे लगाते हुए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने स्वामी ब्रह्मानंद चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर जिहादियों का पुतला दहन किया। अमेठी के काहौर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस ने अमेठी के लोगों से छलावा किया, गांधी परिवार ने अमेठी को आगे नहीं बढ़ने दिया, जनता बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। इस मंच पर आज प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों में जोड़ूंगी अमेठी के हर उस नागरिक को जिनको प्रधानमंत्री जी ने 2014-2019 से वचन दिया था। प्रधानमंत्री जी ने इसी से ही जनता से करके निवेदन किया था कि वर्षों वर्ष आप एक परिवार में शून्य धरती पर छला है, एक बार कमल के निशान पर विश्वास करें, एक बार कमल के निशान को अपनाकर सेवा का मौका दें और हम 5 सालों में वो कार्य कर दिखाएंगे जो गांधी खानदान बल्कि साथ ही
प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इन 5 वर्षों में अमेठी में 15 अरब रुपये का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर पाई है। लखनऊ में वोटिंग में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद वासियों को धन्यवाद दिया गया। जागरूकता अभियान में सहयोग के लिए मीडिया बंधुओं को भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने धन्यवाद दिया। लखनऊ की 9 विधानसभा के कुल 4062 बूथों पर कल सकुशल मतदान संपन्न हुआ। बीवस लखनऊ पुलिस पर पशु माफियाओं की धमक देखने को मिल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पॉइंट पर मौजूदा पीआरवी पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई। पशुओं से लदे ट्रक चालक ने पीआरवी के रोकने पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। गुसाईगंज थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पशुओं से लदे ट्रक चालक की करतूत कैमरे में कैद हुई। सहारनपुर में तेज तर्रार एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में बीहट पुलिस के अवैध खनन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। गंधेवर थलेमपुर रोड से खनन से भरे 3 वाहनों को पकड़कर सीज किया गया। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर पुलिस ने दर्जनों खनन के वाहनों पर कार्रवाई की। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार पांडे ने कहा कि क्षेत्र में अवैध और ओवरलोड खनन की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। खबर गोंडा से, जहां आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गौरा विधानसभा क्षेत्र के मनकसनवा बाजार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मन से प्रियंका ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए युवा यहां से पलायन कर रहा है। सब लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं और अन्य लोग मुश्किल में है। मोदी जी अंतर्यामी है और ज्ञानी है, तो उन्हें छुट्टा जानवर क्यों नहीं दिख रहे। एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या महंगाई आती है और आपके घर पे खटखटा के पूछती है कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? क्या बेरोजगारी पूछती है कि तुम किस जाति के हो, ब्राह्मण हो या दलित हो या किस वर्ग के हो? पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। जब छुट्टा जानवर आके आपका खेत चलता है तो पूछता है कि कौन से खेत का, भाई किस किसान का है ये खेत, अच्छा इस धर्म का है, चलो मैं दूसरे खेत में जाके चलूंगा। पूछता है छुट्टा जानवर? तो राजनीतिक दल के नेता क्यों पूछ रहे हैं भैया, क्यों पूछ रहे हैं? सोचिए, मजाक की बात नहीं है, ये गहरी बात है। क्योंकि जब विकास करना है तो सबका होगा कि नहीं होगा, कि एक वर्ग का विकास होगा? हो ही नहीं सकता। सड़क बनाओगे क्या आप कहोगे कि लो इस धर्म के हो तो ये सड़क मत इस्तेमाल करो, उस धर्म के हो तो ये सड़क तुम्हारे लिए है? नहीं। पानी की सुविधा होगी तो सबकी होगी, सही बात है। तो विकास, रोजगार होगा तो पूछना नहीं है कि कौन सा क्या है, सबके लिए रोजगार है। हाँ आरक्षण है, लेकिन सबके लिए रोजगार है, सबको मौका मिलेगा। राजनीतिक दल और उनके नेता आपके सामने जाति और धर्म की बात क्यों करते हैं? बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले शान अली यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से शान ने अपना वीडियो जारी करके बताया कि आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों के बाद यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के वेस्ट इलाके में शिफ्ट हो रहे हैं। स्थानीय लोग डरे हुए हैं, साथ ही भारतीय छात्रों के मन में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी जो सिचुएशन है यहाँ बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है आज से, क्योंकि रात जो बॉम्ब के धमाके सुने गए हैं उसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर में हैं, और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ से सामान पैक करके लिविव की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सुबह धमाके सुने गए जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट थे वो सब ब्लॉक कर दिए गए हैं, और जो एयर इंडिया की फ़्लाइट आनी थी आज वो भी कैंसिल कर दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।